जय हिंद दोस्तों। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी जितने भी बच्चे बीएड का फॉर्म भरे होंगे उनकी काउंसलिंग चल रही है। पहले फेज की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो बच्चे सेकंड फेज में हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काउंसलिंग कैसे होगी जान लें, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे आपका जो सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है उसमें आपको अगर आप मतलब जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आप थर्ड ईयर में रहे होंगे तो आपकी मार्कशीट तो आई नहीं रही होगी। तो उसमें पहला काम आप करिएगा, पहले आपको मांग रहा है वो थर्ड ईयर की मार्कशीट, ठीक है, आपको थर्ड ईयर की मार्कशीट मांग रहा है, ठीक है। अब एक बात और आपसे बताते हैं, थर्ड ईयर की मार्कशीट। अब देखिए, बहुत जैसे कि बहुत से स्कूलों वाले स्कूल अभी सॉरी कॉलेज ने अभी भी थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं जारी की है, लेकिन आप क्या करिए, जो आपकी कंप्यूटर से मार्कशीट निकलती है, ठीक है, जो नेट से मार्कशीट निकलती है, उसका करके फोटो कॉपी निकालिए, उसको जाइए स्कूल पे, उसको सर्टिफाइड मतलब मोहर दस्तखत स्कूल वालों का लगवाइए उसको, फिर लाके उसको स्कैन करिए, ठीक। पहली चीज तो ये है आपकी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज आपकी है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक आपसे ले रहा है, बैंक पासबुक आप कौन सा देंगे, ये आपके एक सवाल है। तो बैंक पासबुक हम कौन सा देंगे, बैंक पासबुक हम वो देंगे जिसमें हमारा पैसा, अगर आपको कोई कॉलेज मान लीजिए नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपका जो पैसा रिफंड होगा वही वही वो वही इस बैंक पासबुक में आएगा, ठीक है, इस सॉरी बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है, वही बैंक पासबुक आप दीजिएगा। जैसे कि जब देखिए सुनिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपका 5,750 रुपए लगेगा। कितना लगेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ काउंसलिंग हुई आपका 5,750 वो आपसे मांगेगा, जो आपको पेड करना रहेगा। ये 5,750 में क्या है, 5,000 आपकी कॉलेज फीस है और 700 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। 5,000 आपकी कॉलेज फीस है और 750 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। ये कॉलेज फीस अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको वापस हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी इस बैंक अकाउंट नंबर में, जो आप बैंक पासबुक आप जो आप स्कैन कराए रहेंगे, ठीक है, ठीक। और 750 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कट जाएगी, ये 5,000 बस आपको मिलेगा, ठीक। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, जब आप काउंसलिंग करा लेंगे, आज मान लीजिए आज आप काउंसलिंग कराएं तो ठीक 24 घंटे बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग करिए, चॉइस जब फिलिंग कर लेंगे तो चॉइस फिलिंग मान लीजिए अगर जैसे इस फर्स्ट फेज में 23 तारीख को चॉइस फिलिंग था, ठीक है, 23 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग हो जाना चाहिए था, तो 23 तारीख सभी लोग किए होंगे, तो 24 तारीख को सबका सीट अलॉटमेंट। तो जिस दिन आप जैसे वो सेकेंड फेज के लिए तो डेट मुझको नहीं पता, वैसे 27-28 के लगभग होगी, तो 27 को मान लीजिए अगर चॉइस फिलिंग होती है तो 24 का आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर 3 दिन आपको मिलेगा फी पेमेंट का। फी पेमेंट फिर जो आप जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे फिर 24 घंटे बाद, ठीक है, 24 घंटे बाद मतलब जिस दिन तक चॉइस फिलिंग रहेगी, मतलब मान लीजिए अगर 23 लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, तो 23 के बाद 24 का आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट के बाद आपका तुरंत फी मांगेगा। फी कितना मांगेगा, 46,250 रुपया। और ये आप कैसे पेड करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ठीक है, इसमें डीडी बनाने का कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप इसको पेड करेंगे और आपको इसकी स्लिप मिलेगी, ठीक है। यही था पूरा प्रोसेस काउंसलिंग का, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।